सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जेट एयरवेज में जो रिसेंट वैकेंसीज आ रखी हैं उनके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जेट एयरवेज में धीरे धीरे वैकेंसी आनी चालू हो गई हैं, और ये अलग बात है कि जेट एयरवेज कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है अपने पुराने एम्प्लॉयज को। लेकिन अगर आप जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर करें। इसके अलावा मान लीजिए किसी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं और आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, कलीग अगर एलिजिबल हैं, तो आप उनको जरूर इसके बारे में बताइए, क्योंकि अगर वो एक बार एयरलाइन में लग गए और वो आपसे कनेक्टेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी असिस्ट कर देंगे, हेल्प जरूर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले दो बातें बताना चाहूंगा। हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल अगर आपके काम का है तो सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड पॉइंट नंबर टू, एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के अलावा भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए एंड जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है डिप्टी चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं ये काफी हैवी वैकेंसी है और इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, कलीग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको उनको इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। रोल आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको फ्लाइट सेफ्टी मैनेज करना है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एविएशन इंजीनियर होने चाहिए, आपके पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी DGCA के कार के जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारी आपको यहां पर मैंडेट। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, मैनेजर फ्लाइट सेफ्टी SMS एंड QA, और यहां पर जॉब रोल में देख पा रहे हैं जेट एयरवेज का जो ऑपरेशन है उसके सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को एज पर द रिक्वायरमेंट आपको उसका ऑडिट करना है। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों यहां भी आपको 10 ईयर्स ऑफ एविएशन एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर इन एयरलाइन सेफ्टी मैनेजमेंट, आप ट्रेंड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके फैमिली मेंबर, कलीग या कोई भी इसके लिए एलिजिबल और वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं एक ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूम और जो सारा डिटेल है उसे सही तरीके से बनाकर सेंड कर देना है। अब बात आती है फ्रेशर्स की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये जो ईमेल आईडी है, अभी ये वर्क कर रही है, यानी कि अभी ये एक्टिव है। कई बार होता है, इसके पहले भी कई बार हुआ है, जब आपने अपना सीवी यहां पर भेजने की कोशिश की है, तो दिखाता है कि आपका सीवी नहीं गया है या फिर कुछ एरर शो करता है। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम में यहां पर जो भी आपको रिज्यूम भेजा जा रहा है वो जेट एयरवेज को मिल रहा है। तो मैं यही आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप जेट एयरवेज में जॉब पाना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको अपना सीवी अपडेट करके, बिल्कुल सही तरीके से तैयार करके जेट एयरवेज के इस ईमेल आईडी पे जरूर भेजना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज नहीं तो कल उस तरह की वैकेंसी भी आने वाली हैं जिसमें फ्रेशर्स या फिर ग्राउंड स्टाफ लेवल के स्टाफ भी अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।